हेलो बच्चों, यह प्रश्नावली 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और भाज्यता के नियम के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। अब मुझे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, भाज्यता के नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे आपको कोई भी अगर संख्या दे दे, जैसे मैं माना 123 संख्या दे दी, तो भाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ 2 की भाज्यता का नियम, दो की भाज्यता का नियम क्या है कि 2 का आप पूरा बिना किसी संख्या में भाग दिए पता कर सकते हैं कि उसमें भाग 2 का पूरा पूरा चला जाए। भाज्यता का नियम क्या समझाता है? जैसे ये संख्या मैंने लिखी, मुझे चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं, तो अपन 2 का भाग देते हैं, लास्ट में शेषफल 0 आता है, तब मुझे पड़ता है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर ये तरीका अपनाए बिना, ठीक है, ये तरीका अपनाए बिना ही अगर मुझे पता पड़ जाए कि 2 का भाग संख्या में जाएगा कि नहीं, तो मेरा टाइम काफी बच जाएगा। तो वहां क्या काम आता है? भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम क्या समझाता है? 2 का किस किस संख्या में भाग जा सकता है, ये नियम ये बताता है, ठीक है ना। भाज्यता के नियम में क्या होता है, आपको एक संख्या दे देंगे, बोलेंगे 2 की भाज्यता का नियम का मतलब, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि 2 का बिना उस संख्या में पूरा भाग दिए ही पता पड़ जाए कि 2 का भाग जाएगा, तो मेरा टाइम काफी बच जाएगा इससे। जैसे मैं संख्या बोलूँ 111, तो पहले अपन क्या करते थे कि पता करने के लिए कि 2 का भाग जाता है कि नहीं, आप 2 का भाग दे देते शेषफल 1 बचता था, फिर अपन कहते हैं अरे 2 का भाग तो जा रहा नहीं है, ठीक है ना। भाज्यता का नियम अपन क्या सिखाएगा कि संख्या में बिना पूरा भाग दिए उस नियम से पता पड़ जाएगा कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में बिना पूरा भाग दिए ही पता पड़ जाएगा कि 2 का भाग जाता है। उस संख्या 2 का नियम ऐसे अलग अलग संख्याओं के नियम है, 3 का भी नियम होगा कि बिना देखे ही पता पड़ जाए कि 3 का भाग चला जाए, 4 का नियम है, 5 का भी है, 6 का भी है। सबसे पहले 2 का नियम क्या है, 2 की भाज्यता का नियम क्या है, समझते हैं। 2 के भाज्यता का नियम क्या है, संख्या 2 के भाज्यता का नियम, संख्या 2 का अगर तुमको किसी में भाग देना है तो बिना पूरा भाग दिए पता पड़ जाएगा कि इसमें 2 का भाग जाता है। 2 के भाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या मैंने ली, चलिए मैंने 112, अब तो देखो 21 के स्थान पर 2 है, इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग चेक करते हैं, देखो 5 × 10, 5 × 12 चला गया। ग्रंथ में ये नहीं है तो उसमें ऑटोमेटिक 2 का भाग नहीं जाएगा। जैसे मैंने ये लिया 10 आया, तो 1 शेषफल बच गया ना। देखो ये भाज्यता का नियम करने से कितना आसान हो गया, जैसे ही देख ली कोई संख्या देखी और पूछ रहे हैं इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं, डायरेक्ट उस संख्या की इकाई का स्थान देखा, 0, 2, 4, 6, 8 देखा, डायरेक्ट ही पड़ गया, ठीक है। अब 3 की भाज्यता का नियम समझते हैं। 3 की भाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 3 संख्या के, अब देखो इसमें ये नियम लगा, हर किसी में ये नियम नहीं लगता है, डायरेक्ट आप इकाई की संख्या देखो और आपको पता पड़ जाए कि उस भाग जाता है कि नहीं। अब 3 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे आपको दिए हुए ना अंक, जैसे 128 दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, इसमें अलग अलग अंक दिए हुए, 1 8 है, 2 है, इकाई दहाई में सैकड़ा, अलग अलग अंक अंक है ना, 8 2 1, इनके अंकों को आपस में जोड़ो, यानी पहला अंक 2 2 फिर ये 8, यानी क्या आया उनका योग कितना आया, 10 और 11। जिनके योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, 11 में तो जाता नहीं है। जो संख्या मैंने ली, ठीक है, इसमें को चेक करना है कि 123 में 3 का भाग जाता है कि नहीं। अब तो पहले उस तरीके से करते थे, लास्ट में शेषफल 0 आता था तभी पता पड़ता था ना, पर अब बिना देखे करना है अपन को, इनके अंकों को योग कर दो डायरेक्ट मन में, 1 + 2 + 3, 3 और 3 6, अब 6 में 3 का भाग तो पता ही है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है ना, 6 3 2 6, अगर 6 में 3 का भाग चला जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। देखो चेक करते हैं, 123 है, 3 6 12, 3 1 9, चला गया 3 का भाग, इतना आसान है। देखो 3 की भाषा करनी है, जैसे कोई बड़ी संख्या हो जाए 9 9 ऐसे आगे, पहले अपन कैसे चेक करते, 3 का पूरा भाग देते थे शेषफल 0, अब डायरेक्ट इनके अंकों को जोड़ दो, 9 9 18 38 27, 3 में 27 होता है ना, 27 में 3 का भाग जाता है, संख्या में 3 का भाग जाएगा, इतना आसान है। तो उसकी परिभाषा क्या हुई, अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो
उस संख्या में भी तीन का भाग जाए दस आने देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट चार की व्यवस्था का नियम समझते हैं। कुछ समानता है क्या होता है, मेरे को चेक करना है कि किस संख्या में चार का भाग जाता है कि नहीं। पहले अपन पूरा भाग देते थे, वैसा करना नहीं है, अपन को डायरेक्ट भाज्यता का नियम लगाना है। भाज्यता का नियम क्या कहता है कि आप बिना उसमें पूरा भाग दिए ही आप देख के ही उस संख्या में पता कर लो कि चार का भाग जाएगी नहीं, ठीक है। नियम क्या कहता है, आप अगर कोई संख्या दी हुई है उसके आखिरी की दो संख्या एक विदाई संख्या को देखो, अगर उसमें भाग जाता है तो चार का भाग जाएगा। जैसे संख्या लिखी मैंने 112, आखिरी की इकाई विदाई संख्या है ना 12, 12 को साइड में 12 ले लो, 12 में चेक करो कि चार का भाग जाता है, चार तीय 12, इस संख्या में भी 12 का भाग, इस संख्या में भी चार का भाग जाएगा। संख्या क्या थी 112, देखो चार का भाग देते हैं, चार दुनी आठ, आठ चार जा रहा है ना। तो लास्ट की दो संख्या में चार का भाग ना जाए तो संख्या में भी चार का भाग नहीं जाएगा। जैसे मैंने संख्या ली 11 में नहीं जाता, चार का भाग भी दोगे ना तो उसमें नहीं जाएगा। चार दुनी आठ, आठ चौक 28, नहीं शेष पर ला गया ना, बस इतना आसान है। आपको चार का भाज्यता का नियम सिंपल है, आपको आखिरी की दो संख्या देखनी है, लास्ट की दो संख्या इकाई दाई संख्या को देखना है। जैसे 12 है, लास्ट की इकाई दाई संख्या कौन सी है 12 है, 12 को 12 लेके उसमें चार का भाग देना है। बड़ी संख्या भी हो सकती है, जैसे 228 लिया तो लास्ट की दो संख्या में चेक करना है, 28 में चेक किया चार का भाग जाता है, संख्या में चार का भाग जाएगा। आखिरी की दो संख्या में नहीं जाएगा, उस पूरी संख्या में भी चार का भाग नहीं जाएगा। आठ की भाज्यता के नियम में क्या होता है, जैसे चार की भाज्यता के में अपन आखिरी की दो संख्या देखते हैं ना, आठ की भाज्यता में अपन आखिरी की तीन संख्या देखते हैं। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर दो ही संख्याएं हों जैसे 32 ही हो तब क्या करें, तो आप 32 में डायरेक्ट ही भाग देके देख लो, भाज्यता के नियम आसान रहने के लिए होता है। 32 में तो डायरेक्ट आपको पता ही है आगे एक और संख्या आ गई, तो मुझे डायरेक्ट इसमें 132 में आठ का भाग ही देख लो। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए जैसे ये संख्या आ गई, ठीक है, तब आप आठ का भाग दोगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप लास्ट की तीन संख्या देख लो, इसमें आठ का भाग जाता है कि नहीं, तो इसमें आठ का भाग जाता है पूरी संख्या में भी आठ का भाग चला जाएगा। बस चार जैसे ही है ये। अब पाँच की भाज्यता का नियम समझते हैं। पाँच की भाज्यता का नियम बहुत आसान है, अगर किसी संख्या की इकाई में इकाई के स्थान पर जीरो और पाँच है तो संख्या में भी पाँच का भाग जाता है। जैसे लास्ट एक इतनी बड़ी संख्या है, इकाई के स्थान पर पाँच है ना, तो संख्या में भी पाँच का भाग जाएगा। पाँच के अलावा जीरो है तब भी पाँच का भाग चला जाएगा, और इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ गई जैसे दो आ गई तो इसमें पाँच का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। जीरो और पाँच है तो पाँच का भाग चला जाएगा, इनके अलावा कोई है तो संख्या में पाँच का भाग नहीं जाएगा। आपको जहाँ भी वीडियो देख रहे हो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। दस की भाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई के स्थान पर सिर्फ शून्य होना चाहिए। तो भाज्यता का नियम क्या होता है, बिना देखे मैं कैसे पता कर, बिना पूरा भाग दिए कैसे पता कर सकता हूँ कि उस संख्या में छः का भाग जाता है कि नहीं। तो छः की भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर उस संख्या में दो व तीन का भाग जाए तो उसमें छः का भाग भी जाएगा। दो और तीन की भाज्यता का नियम तो बहुत आसान है, अगर इकाई के स्थान पर दो है तो दो का भाग तो जाएगा ही, एक स्थान पर जीरो दो चार छः आठ है तो दो का भाग जाएगा। तीन की भाज्यता का नियम क्या सिखाया था, उनके अंकों जोड़ो, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच में तीन का भाग जाता नहीं तो फिर छः, दोनों जाना जरूरी है, दो का भी जाना जरूरी है और तीन का भी भाग जा रहा है तभी उसमें छः का भाग जाएगा। जैसे मैंने एक संख्या और ले ली, यहाँ दो ले ली, चार पाँच छः सात संख्या ये मैंने बनाई, ठीक है, ये संख्या मैंने बनाई। अब देखो दो का भाग तो जा रहा है, एक स्थान पर ये है, चार पाँच छः सात आठ हुआ, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ, देखो नौ है, इनके अंकों का योग नौ हो रहा है, नौ में तीन का भाग जाता है, संख्या में तीन का भाग जा रहा है। अब इसमें दोनों का भाग जा रहा है, दो और तीन का दोनों का जा रहा है ना, तब भी इसमें छः का भाग जाएगा। बस इतना याद रखना है, अगर संख्या में दो और तीन दोनों का भाग जा रहा है तब भी इसमें छः का भाग जाएगा। अब नौ की भाज्यता का नियम क्या कहता है, नौ की भाज्यता का नियम तीन की तरह ही है, अगर संख्या के अंक कौन से हैं, एक एक साथ है, उनको अलग अलग अंकों को योग करना है। अगर एक और एक दो, दो और सात नौ, इस नौ में नौ का भाग जाता है जा रहा है तभी इस पूरी संख्या में नौ का भाग जाएगा। देखो देखे देखते हैं तीन की तरह ही है जा रहा ना, अगर इनके अंकों का योग में नौ का भाग नहीं जाता है तो इस पूरी संख्या में भी नौ का भाग नहीं जाएगा। आप जहाँ भी है उसको करके
देख सकते हो अंकों का योग करना है, नौका भाग जा रहा है तभी उसमें नौका। अब समझते हैं कि सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज क्या होते हैं। सार्व का मतलब इंग्लिश में होता है कॉमन, कॉमन का मतलब कॉमन गुणनखंड। अब कॉमन किन में अपन निकाल सकते हैं, से दो है, दो में तो कुछ कॉमन है नहीं, दो और चार, दो संख्याओं में कुछ समानता निकाल सकते हैं ना, एक संख्या में तो निकलेगी नहीं। तो सार्व गुणनखंड अपन किन्हीं भी दो तीन इन सब में अपन कॉमन निकाल सकते हैं, एक खुद में तो कुछ निकलेगा नहीं, खुद में जो गुणनखंड है वही के वही। सार्व गुणनखंड दो तीन ऐसी संख्या होगी ना, उनमें से अपन कॉमन चीजें बाहर निकाल लेंगे, जैसा इसका नाम है सार्व गुणनखंड। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के तुमको गुणनखंड निकालना है, और उसमें सार्व एक जैसे सिकल वाला ना, यानी दो दो यहाँ भी है, दो गुणनखंड यहाँ भी आ रहा है और वहाँ भी आ रहा है, उनको अपन को बाहर निकालना है। जैसे संख्या ली मैंने 15 और 30, ठीक है, पूछेंगे कि इनके सार्व गुणनखंड निकालो, तो पहले 15 के गुणनखंड लिखेंगे, 15 के गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना मैंने सिखाया है कि 15 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, देख चेक करना है, एक के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब गुणनखंड जो सवाल खाली 15 के पूछे, गुणनखंड लिखने का तरीका क्या होता है, 1 × 15 15 जो मैंने पहले लिखा था वो तरीका होता है, और सारे गुणनखंड में पूछ रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, 15 के पहाड़े में एक तो सभी में आता है, दो में जाता नहीं है, 3 5 और 15 ये ऐसे गुणनखंड आ गए। फिर 30 के गुणनखंड लिखने हैं, 30 गुणनखंड क्या होंगे, एक एक दो के में जाता है, 3 5 6, ठीक है, फिर 7 में नहीं, 8 में नहीं, फिर 10, फिर 15 खुद, फिर 30 खुद, ठीक है, ये आ गया ऐसे गुणनखंड। अब आपको सारे गुणनखंड निकले, सारे गुणनखंड का मतलब क्या है, जो दोनों में आए, देखो एक दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो एक सारे गुणनखंड हो गया। तो देखो यहाँ दो है, दो यहाँ नहीं है, तो दो सारे गुणनखंड नहीं होगा, देखो तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में आना चाहिए, तो 3 सारे गुणनखंड हो गया। और तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 सारे गुणनखंड हो गया। 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 सारे गुणनखंड हो गया, ठीक है। इनके अलावा जो गुणनखंड निकले हैं ये सारे गुणनखंड नहीं। सारे गुणनखंड का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं के पहले अलग अलग गुणनखंड निकालना है, दोनों में अगर एक जैसे गुणनखंड है वही उसके क्या होंगे, सार्व गुणनखंड। तो इतना आसान है सारे गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना तो मैं सिखा चुका हूँ, दोनों संख्याओं के अलग अलग पहले गुणनखंड निकालना, और दोनों में अगर एक जैसे हों वही उसके क्या होंगे, सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणज क्या होता है, वही की वही तरीका है, इसको बोलते हैं कॉमन गुणज। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। सार्व गुणज मतलब दो संख्याएं, वही दो संख्या दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इनमें सार्व गुणज निकालो, ठीक है। सारे गुणज निकालने को पूछेंगे, तो 5 के पहले आप गुणज लिखना है, 5 10 15, 5 का पहाड़ा ऐसे गुणज होता है, 25 ऐसे दे देंगे, ठीक है, और इसके भी गुणज आपको दे देंगे, 10 20 30 40 ऐसे दे देंगे, और पूछेंगे कि सारे गुणज निकालो, देखो 5 दोनों में आ नहीं रहा है, 10 आ रहा है दोनों में, एक सारे गुणज हो गया 10, 15 नहीं आ रहा है, दूसरा देखो 20। फिर आपको पूछेंगे कि दो सारे गुणज निकालो, दो निकल के 3 पूछे तो उसको और आगे तक बढ़ाओ, 30 आ रहा है दोनों में, ठीक है। जितने पूछे आप ऐसे सारे गुणज निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है LCM, ठीक है, लघुतम समापवर्ती हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, कॉमन का मतलब सार्व, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। देखो अभी तो अपन ने जस्ट इससे पहले सारे गुणज पढ़े, सारे गुणज निकालना तो सर बहुत आसान था, दोनों के पहाड़े लिखते थे और दोनों में जो एक जैसे आते थे गुणज वही हम लिख लेते थे, तो बस वही है। तो अपन को सारे गुणज तो बनाने हैं, पर छोटा सारे गुणज जो सबसे पहला जो सारे गुणज आता है ना वही क्या होता है, दो संख्याओं में LCM। LCM मैंने क्या बोला, कॉमन का मतलब, यानी दो या तीन संख्याओं में तुम कॉमन निकाल सकते हो, एक संख्या में तो निकाल नहीं पाओगे। LCM भी दो से अधिक संख्याओं का निकलता है, ठीक है। LCM निकालने के 3 तरीके हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहला बेसिक क्या है, जैसा इसका नाम है वही का वही करना है। छोटा सार्व गुणज, आपको दो संख्या दे देंगे, बोलेंगे कि 5 और 15 का LCM निकालो, ठीक है, जैसा इसका नाम है, आपको क्या निकालना, छोटा सार्व गुणज निकालना है। तो सबसे पहले सार्व गुणज, इसके पहले गुणज लिख लेते हैं, 5 गुणज क्या होंगे, 5 10 15 20, कैसे आए, 5 गुणाई करने पर 5, सबसे पहले गुणज वही संख्या खुद होती है, फिर 10 15 20, 15 के गुणज लिख लिए, 15 30 45
साठ, चार पांच लिख लेना अपन को, दोनों के चार पांच गुणज लिख ली। फिर अपन को निकलना सार्व गुणज निकालना, जो सबसे पहले छोटा और छोटी संख्या होनी चाहिए और उन्हें भी क्या चाहिए, सार्व गुणज। तो पांच है, देखो पांच इसमें आ नहीं रहा है तो सार्व है नहीं, दस आ नहीं रहा है, पंद्रह आ रहा है ना, तो ये पंद्रह ही क्या होगा इनमें सार्व गुणज। सबसे पहला गुणज है, देखो पंद्रह के अलावा बीस के सार्व गुणज होंगे, जैसे मैंने क्या लिया पच्चीस तीस, ठीक है, तो तीस भी आ रहा है। और पंद्रह और तीस में से दोनों ही सार्व गुणज है, पंद्रह और तीस में से छोटा सार्व गुणज कौन सा है, पंद्रह है ना, तो सबसे पहला यही है। तो छोटे का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं कि तो पाँच और पंद्रह में छोटी संख्या ले लो, नहीं, छोटा सार्व गुणज, सार्व गुणज लिखना ही है, छोटा सार्व गुणज कौन सा है, पंद्रह है ना, तो पंद्रह ही इनका क्या होगा, एल सी एम। एक तो ये बेसिक तरीका है, सर आप बोलो इतना हम कब करेंगे, ठीक है ना, कोई तीन संख्या दे दें तो इनका पहले पाड़ा लिखो, पाड़ा किसी को याद है नहीं है, इसका एक सेकेंड मेथड भी है, बेसिक आना चाहिए, जैसा इसका नाम है वैसा बेसिक तो अपन को आना ही चाहिए। जैसा इसका नाम क्या है, छोटा सार्व गुणज, जो अपन को मैं आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, यही है सार्व गुणज, ठीक है ना, कभी कुछ वो बड़ा तरीका याद नहीं रहे, बेसिक से भी अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। गुणज लिख लिए दोनों के, सार्व गुणज निकल लिए, दोनों में छोटा सार्व गुणज, इसका क्या होगा एलसीएम, जैसा इसका नाम है छोटा सार्व गुणज। अब एक बड़ा तरीका करते हैं जो बहुत प्रचलित है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। इसके पहले थोड़ा अभाज्य गुणनखंड समझ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, आपसे कोई प्रश्न में खाली अभाज्य गुणनखंड निकालना भी पूछ सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जैसा इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या के टुकड़े करने हैं, उस संख्या के गुणनखंड करने हैं, संख्या गुणा के रूप में बांटना है, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं लूँ, मैंने लिया तीस, तीस के मुझे गुणनखंड खाली पूछे, एक दो तीन आ गया, छः आ गया। अब देखो इसमें ये दो और तीन तो अभाज्य संख्या हैं, पर देखो छः अभाज्य नहीं, छः भाज्य संख्या होंगी, मैं छः गुणा पाँच करूँगा ना, देखो छः इसमें क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसकी ये छः गुणा पाँच इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका होता है, जैसे आपको पूछे चालीस के अभाज्य गुणनखंड निकालो, चालीस को ऐसे गुण ऐसे खंडित करो कि उनको जो खंडित की हुई गुणनखंड आए उनको वो सारी पहले तो अभाज्य संख्याएं हो, उनको आपस को में गुणा करने पर क्या आना चाहिए, चालीस। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले एक प्लस की तरह का एक मार्क बनाएंगे, ऐसा एक मार्क बनाया, दो लाइनें एक क्षेत्रीय उधर लाइन खींची, जिसी भी संख्या के तुमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हो यहाँ लिख दो, ठीक है, चालीस के निकालना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना है। मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, उसके बाद तीन से स्टार्ट, फिर तीन पर जाना है, फिर पाँच, फिर सात, फिर ग्यारह तक जाना है, ठीक है, और ग्यारह के बाद ग्यारह ग्यारह उसके बाद भी चलते रहना, अभाज्य संख्या चलती रहेगी। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा चुका हूँ जैसे इससे पहले वाली क्लास में। अब देखो तुमको क्या करना है, जस्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना स्टार्ट करना है, सबसे छोटी दो का भाग देना, भाषा के नियम मैंने पढ़ा इसलिए थे कि देख के पता पड़ जाए कि दो का भाग जाता है कि नहीं। देखो एक एक स्थान पर जीरो है तो दो का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो चालीस में देना है दो का भाग, बीस बार, जीरो बीस बार भाग जाता है, बीस बार चला गया, जब तक दो का भाग जाना बंद नहीं हो जाए। बीस में भी दो का भाग जाता है कितनी बार, दस बार, दस में भी दो का भाग जाता है पाँच बार। अब वापस दो का भाग चेक करना, दो का भाग एक एक स्थान पर है नहीं, तीन भी चेक करना है नहीं जाएगा, अगले अभाज्य संख्या क्या है, चार, ऐसा नहीं तुम चार का दे दो, नहीं, चार फिर भाज्य हो जाएगा, मुझे चाहिए अभाज्य गुणनखंड, पांच का भाग देंगे, ठीक है। तो चालीस बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये जो संख्या है तुमने लिखी है ना इधर वाली, ये सारी संख्या इसके हैं अभाज्य गुणनखंड, दो गुणा दो, दो गुणा पाँच करके देखते हैं, चार दुनिया आठ, आठ गुणा पाँच चालीस आ गया ना, चालीस बराबर चालीस आ गया। तुम अभाज्य गुणनखंड किसी के भी निकाल सकते हो, तुम बस दो और तीन पाँच के भाज्यता का नियम याद रखना, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट करना, फिर नहीं जाए तो तीन का देना, फिर नहीं जाए तो पाँच का, फिर नहीं जाए तो सात का। तो यहाँ जो भाग जा रहे हैं, पहले चालीस में दो का भाग भागफल यहाँ लिखना है, बीस, बीस बार गया ना, फिर बीस में दो का भाग भागफल यहाँ लिखा, फिर दो बीस में दो का भाग पाँच बार, तुमको चेक भी करना होगा, चेक करते जाए करो, पाँच गुणा दो दस, दस गुणा दो बीस, बीस गुणा दो चालीस, ऐसे चेक भी करते रहना है, ठीक है ना। यहाँ से एक गुणा पाँच पाँच आया, पाँच गुणा दो दस ऐसा आया, दो इंटू बीस, बीस दो चालीस, चेक भी करते रहना क्योंकि गलत नहीं आ जाए, ठीक है ना। एक और संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा देता हूँ, ये संख्या 125 है,
125 के में अभ्याज्य गुणनखंड पूछे, सबसे छोटी अभ्याज्य संख्या स्टार्ट तो दो से ही करना है, तो दो का भाग जाएगा नहीं, एक एक स्थान पर ही आ रहा है। फिर तीन का चेक किया, अंकों को जोड़ो, आठ, आठ में तीन का भाग जाता नहीं है। जस्ट अगली पाँच, पाँच चला जाएगा क्योंकि एक स्थान पर पाँच है, कितनी बार भाग जाएगा पीछे आप लोग कॉपी में दे सकते हो, हाँ दूनी दस, पाँच। मैंने एल सी एम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो मुझे पता है एल सी एम किसी दो संख्या को निकालते हैं, माना 15 और 45 का निकालना है, ठीक है। मुझे 15 और 45 के एक तो है अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करना और साथ में करना, दोनों में फ़र्क है। पहले तो मैं अलग अलग विधि से सिखाता हूँ, 15 और 45 के तुमको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे छोटी अभाज्य जाएगा दो का भाग जाएगा नहीं, फिर तीन बार, पाँच, पाँच और एक, ठीक है। 45 में दिया, तीन का भाग जाएगा 15 बार, फिर पाँच, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे जस्ट पहले मैंने सीखा ना अभाज्य गुणनखंड, वही बस अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालता है देखो, अब क्या लिखना है, 15 के गुणनखंड यहाँ लिखना है, 3 गुणा 5, 45 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 5 लिखना, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15 और 45 क्या होगा, देखो दोनों में जो सार्व अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं ना, 3 या 3 सार्व है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसको जोड़ा है, 3 में जोड़ा है ना, जोड़े को अपन एक संख्या मानेंगे, संख्या को मान 3 मानेंगे, और इस 5 को ना 5 का भी जोड़ा बन रहा है, इसको भी अपन सिर्फ 1 5 मानेंगे और गुणा एक बार आएगा, ठीक है आ गया। और बची हुई संख्या ना उसको बस गुणा करना है, जोड़े को एक संख्या माननी है, 3 का जोड़ा है उसको एक संख्या माननी, 5 का एक जोड़ा है उसको एक संख्या माननी, और बची हुई संख्या को आपस में गुणा करना है, बस बचा कौन 3 बचा, और कोई संख्या भी बचती तो उसको साथ में बस गुणा कर दे, क्या एलसीएम क्या आएगा, 5 थी 15, 15 थी 45, उनको आपस में गुणा करना है, एलसीएम मिल जाएगा, इतना आसान है देखो, ठीक है। अब एक तरीका है, इससे भी आसान है वो सीखते हैं, एक तो एलसीएम है अलग अलग तरीके से, और एक इससे भी आसान है जो बहुत प्रचलित है, दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो मतलब क्या है, दोनों के साथ में अभाज्य गुणनखंड निकालना है, वही का वही प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 15, 45, ठीक है। मुझे इसके साथ में अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो मैं 15 का भी भाग नहीं जाता है, अगर अगर यहाँ अगर 50 होता, 50 में 2 का जाता है ना, तो यहाँ अपन 2 लिखेंगे 50 के अभाज्य गुणनखंड 50 में, जैसे एक और मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए 3, अगली संख्या अभाज्य संख्या 3, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, और 45 में 15 बार, ठीक है। दोनों के अलग अलग तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालने, फिर वापस 3, 5 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 5 एज इट इज नीचे जाएगा, और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 में 5 का भाग 1 बार और ये 1। एलसीएम क्या होगा, दैट निकल जाएगा, ये जो गुणनखंड निकले ना, ये इसका क्या होगा एलसीएम, 3 गुणा 3 गुणा 5, 9, 9 गुणा 5, 45, देखो दोनों में उधर 45 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर होता कि 8, साथ में अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते अपन, पंद्रह और 60 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से स्टार्ट करना है, 15 में 2 का भाग जाता नहीं तो 15 में 15 आ जाएगा, देखो 60 पर 2 का भाग जाता है, कितनी में जाता है 30 पर, देखो ठीक है, अभी भी 30 में जा रहा है ना, तो अपन 2 लिखेंगे, पहले 15 में नहीं जाए, 15 जी नीचे जाएगा, 30 में 2 का भाग 15 बार, अब देखो अब 15 15 में 2 का जाएगा नहीं, तो अगली 3 5 बार, इधर भी 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार और 1 बार। एलसीएम क्या आएगा, जो आपके गुणनखंड किए ना, वही इसके क्या हो जाएंगे, एलसी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 4 थी 12, 12 5 60, एलसीएम 60 आ गया। आप चाहे बेसिक तरीके से करें तब भी वही 60 आना है, चाहे साथ में। अब समझते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक एचसीएफ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। जैसा इसका नाम है, हाईएस्ट एच, हाईएस्ट का एच, कॉमन का सी और एफ फैक्टर का, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा, बड़ा सार्व, कॉमन का मतलब सार्व, फैक्टर का मतलब गुणन खंड। जैसे इसकी परिभाषा है वैसे इसका काम है, तुमको सार्व यानी कोई दो संख्या दी होगी, 3 4 ऐसी दे दी होंगी, उसमें सार्व गुणनखंड निकालना है, बड़ा सार्व गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने गुणनखंड निकालना सिखाया है, जैसे मैंने पहले तो बेसिक से सिखाऊंगा, उसके बाद दूसरी विधि से, ठीक है। फर्स्ट विधि बेसिक है, जैसे मैं बोलूँ 15 और
30 का मुझे HCF निकालना है। जैसे इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 15 और 30 पहले तो अलग अलग 15 के फैक्टर निकालो। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 15 के बारे में, एक के बारे में सब संख्या आती है, तो 15 का एक गुणनखंड एक, दो में नहीं होगा, 3, 5 और 15, ये 15 गुणनखंड आ गए। फिर 30 गुणनखंड निकले, एक दो, फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 30 खुद। ठीक, हमको लिखना है सार्व गुणनखंड, दोनों में आना चाहिए। एक तो एक आ रहा है, ठीक है, दूसरा कौन सा आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आया, 15 आया, ठीक है। उसके बाद तो कोई सार्व गुणनखंड नहीं आया ना, अब ये निकले हैं सार्व गुणनखंड, पर तुम्हें एचसीएफ निकलना है। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा सार्व गुणनखंड, 1, 3, 5 और 15 में से बड़ी संख्या कौन सी, 15 है ना, तो एचसीएफ ऑटोमेटिक हो जाएगा 15। बाकी संख्या ये 1, 3, 5 कुछ नहीं होगी, बड़ा सार्व गुणनखंड निकालना है आपको, एचसीएफ होगा। खाली सार्व गुणनखंड पूछे तो 4 के 4 सार्व गुणनखंड है, पर एचसीएफ पूछे यानी उसका एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महसब, कुछ महसब निकालो बोलते महसब, और उसको जो एलसीएम था ना उसको बोलते हैं लसब, ऐसे लिखते हैं, उसको मतसब बोलते हैं। ये तो मतसब निकालने को बोले, एचसीएफ निकालने को बोले, तो पहले तो सारो गुणनखंड निकाल लिए, जैसा इसका नाम है बड़ा, सारो गुणनखंड में बड़ा सबसे कौन है, 15 हो जाएगा एचसीएफ। ये बेसिक है, अब इसका एक जो बहुत तरीका प्रचलित है वो सिखाता हूँ। अब एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भी है, जैसे संख्या मैंने ली 30 और 60, मुझे इसका एचसीएफ निकालना हो, वही का वही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, दोनों के अलग अलग, इसमें 7 में गुणनखंड नहीं निकालते हैं। अगर एचसीएफ आपको निकालना है तो दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, फिर 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बस तुमको 2, 3, 5 इन संख्या के भाजता के नियम मैंने सिखाए हैं, ये अभाज्य भी है, तो बस भाग देते रहो, 2 में 30 बार, 15 बार, 3, 15, 5, 5 में 1 बार, बस। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का सही तरीका, पहले अभाज्य गुणनखंड निकलो, 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5, 60 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और 30 और 60, क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा, दोनों में जो कॉमन बार आ रहा है, जैसे 2 है, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर निकालो, 3 का जोड़ा बन रहा है 3 को बाहर निकालो, और गुणा का चिन्ह साथ में आएगा, तो 5 का जोड़ा बन रहा है उस 5 को भी बाहर निकालो, और इनका आपस में सिर्फ गुणा करना। बची हुई संख्या एलसीएम में अपन क्या करते थे, बची हुई संख्या का भी गुणा कर लेते थे, पर यहाँ पर सिर्फ जो कॉमन दोनों में बार आ रहा है ना गुणनखंड, उन्हीं को ही बाहर निकलना है, तुमको कॉमन गुणनखंड निकालना है। 2 कॉमन आ गया, 2 सार्व है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो क्या होगा आपस में गुणा करना है, 5 से 15 गुणा 2 30, 30 आ गया, 30 क्या होगा इनका एचसीएफ। तो दोनों तरीके मैंने सिखा दिए हैं, एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका तो मैंने बताया ही, बेसिक तरीका। अगर कोई अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहे तो वो भी कर सकता है, 30 के अलग गुणनखंड, 60 के अलग, कोई भी, और तुमको दो, कोई भी तुमको दो दो तीन संख्या दे दे, तुमके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और फिर तीनों में जो सार्व है वो बाहर लिखते रहना है, और उनका गुणा में चिन्ह लगाना, जैसे भी गुणनखंड आ जाए 2, 3, 5 ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं, नेक्स्ट किसी भी संख्या गुणनखंड कर रहे हो उसमें यूँ आ रहा है, ठीक है, फिर कोई नेक्स्ट संख्या गुणनखंड कर रहे हो उसमें यूँ आ रहा है, तो तुम क्या देखोगे, जैसे 2 यहाँ तो आ रहा है, ये कॉमन नहीं होगा, तीनों में आना चाहिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना, और 5 नहीं है, 5 2 पे यहाँ नहीं है, ठीक है ना, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 3 ही होगा, 3 ही आ रहा है, 1, 3 ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही है, तो इनका एचसीएफ 3 ही होगा, ठीक है। अगर कोई 2 संख्याओं में कोई सारा गुणनखंड मिल ही नहीं रहा है, जैसे 7 और 5 है, इनके गुणनखंड होता है 1 और 7, इनमें होता है 1 और 5, तब इनमें सारा गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ 1 ही, ठीक है ना। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।